अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ रूही आफा। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो बस अभी सुबह का टाइम है, बच्चे यूनिवर्सिटी चले गई है, तो मैं ज़रा कटिंग कर रही थी। तकरीबन मैंने कर ली है पीसीस की, ये सूट की खरीदी है, और अभी मैं एक सूट मेरा मशीन पे लगा हुआ है, तो मैंने कहा चलो आप लोगों को भी साथ में शेयर कर दूँ। तो ये मैं अभी अभी मैंने फ्रंट का कैमरा खोला हुआ है ना, तो ज़रा सा अभी मैं आपको देखिए, ये मैं सी रही हूँ शर्ट, और इसके आस्तीनों में हमने सिर्फ एक इंगरी लगा ली और दामन पे लगाएंगे, क्योंकि इसका जो गला है ना वो माशाल्लाह से खुद ही बना हुआ है, एम्ब्रॉयडरी हुई भी है। तो ये देखिए, ये इसका गला है, गोल गला। और अभी मैं इसको सी के बता दूँ, थोड़ा सा मैंने इसको कर लिया था, और इसका मैंने ट्राउज़र भी कर लिया है, तो वो भी मैं भी आपको दिखाती हूँ। तो बस अब भूख लग रही, लेकिन ये सूट कंप्लीट करके फिर मैं नाश्ता करूँगी इंशाल्लाह ना। तो अभी मैं आपको उसका दिखाती हूँ, ट्राउज़र भी दिखाती हूँ। तो ये देख सकते हो आप, ये मैंने भी ट्राउज़र सी है। असल में मैं इसकी ना अभी ओवरलॉक कराऊंगी, तो इसलिए मैंने इसको सीधा नहीं किया था, लेकिन अभी आपको दिखाने के लिए मैं इसको सीधा करके दिखा देती हूँ। मेरे पास यानी कि ऑनलाइन स्टिचिंग होती है, तो मैं नंबर शेयर कर दूंगी, बल्कि व्हाट्सएप पे आप चाहें तो मेरे पेज पे कर सकते हैं कमेंट्स। तो फिर जिसको सिलवाना होगा, मैं बहुत मुनासिब रेट में सीती हूँ सूट, ज़्यादा नहीं लेती। देखिए मैं डिज़ाइन वाले सी रही हूँ, वो भी सिर्फ 400 में, इससे ज़्यादा यानी कि इसलिए कि आजकल महंगाई है, हर कोई परेशान है ना। ये मैं कमीज़ की पट्टी मैंने से पलटी और दो मैंने ऐसे प्लेट्स डाल दी, तो जनाब देखिए ट्राउज़र इतना अच्छा हो गया, देखिए इतना ज़बरदस्त लग रहा है ना। और इलास्टिक, तो ये मीडियम साइज़ था इनका सूट का, कमीज़ और शर्ट ये मैंने बना दिए, और अभी शर्ट भी कंप्लीट करके इंशाल्लाह मैं आप लोग से शेयर करूँगी। और जिसको अगर सिलवाने हो कपड़े, तो वो यानी कि कमेंट्स कर सकता है जो कराची में है, तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर उसके साथ रब्ता करूँगी। अब मैं इसकी साइड लगाऊंगी और उसके बाद इसकी चॉप लगाऊंगी। तो साइड बनाने के लिए जरूरी है कि हम इसको, और ये वाला जो सॉफ्ट है ना, देखिए सेंटर का स्क्रीन का, इसको इससे मिलाते हैं, इसको इससे मिलाते हैं, और ये जो करते हैं देखिए इससे बराबर है, ठीक है। और यहाँ जैसे देख लेंगे, ये देखिए ये आपके यहाँ तक, ठीक है ना। अब उसके बाद जब मैं इसको जोड़ लूँगी ना, बाद में इसकी हेम करूँगी, नीचे वाली बटी की ऐसे रखकर, जहाँ पर कट का निशान है कट से हम थोड़ा सा नीचे से ले लेंगे, ठीक है। आधा इंच ऐसे पकड़ करके, और उसको सिलाई लगा लेंगे पूरी यहाँ पे, इसको रखेंगे जॉइंट पे, और फिर यहाँ से असली असली तक इसको ले आएंगे। असली मीस नहीं आपको रखनी है ना चौड़ी, इसको सारी तकरीबन रखनी है, तो बस इसको मैं यहाँ तक ही लाऊंगी इसको, ठीक है। जॉइंट से जॉइंट मिल गया, पकड़ लेंगे, और इसके बाद ये जो है ना सूर्य से मोड़ के यहाँ पे थोड़ी सी सिलाई लगा देंगे, इसी के बाद पहनेंगे ना तो बाहर नहीं करते इसकी नोक, और बाकी ओवरलॉक हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह मैं दूसरा साइड भी करूँगी। अब ये देखिए चौक का हिस्सा ले लिया हमने, ठीक है, दा चौक बनाएंगे। ये जो कट है यहाँ पे, जितना आपने मोड़ना है उस हिसाब से आप कर लें। तो इसको मैं ऐसे करके थोड़ा सा
थोड़ा सा ऐसे कर लें इसको, ठीक है, और इसको हम फोल्ड करेंगे यूं करके, ऐसे ऐसे करके हम सिलाई लगाएंगे यहाँ तक लेकर आएंगे, यहाँ पे इसको मोड़ देंगे, ठीक है ना, यहाँ पे ये से आधा इंच ऊपर यहाँ लाएंगे, यहाँ से यहाँ लाएंगे, और फिर यहाँ से मोड़कर इसी तरीके से ये पूरी नीचे तक चली जाएगी, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हमने इसको फोल्ड करा, कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आता, थोड़ा सा आप जो नई बच्ची है ना, तो उनको चाहिए कि क्या करें, इसको प्रेस कर लें, तो उसे ये तक इनको फिर ना बहुत अच्छे तरीके से हो जाते हैं। तो कहीं कम और कहीं ज़्यादा अगर कपड़ा मोड़ेंगे तो ये जो हमारा चौक है ना गोल गोल घूमने लगता है, ठीक है। इस तरीके से मैं लगा लूँगी इस पर सिलाई, इसको उधर से मोड़ते हैं, और इसी तरीके से जैसे वहां से हमने मोड़ा है ना उसको, इसी तरीके से यहाँ का बना लेंगे चौक। इसी तरह ये वाला बन जाएगा, दूसरा भी हम इसी तरह बना लेंगे, और अगर आपने डबल सिलाई लगानी है तो एक ही तरह लगा लीजिएगा। और उसके बाद ये दामन जो है ये इतना ही मोड़ना है इसको, इतना मैं मोड़ के ना इसको हेम कर लूँगी ऐसे ऐसे करके, ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये देखिए हमने दामन भी बना लिए, चौक भी बना लिए, अभी मैं आपको उसको सीधा करके दिखा देती हूँ। चश्मा वगैरह रख दिया है तो चले, बस अब मैं जा रही हूँ नाश्ता करने, तो आप लोग भी मेरे साथ नाश्ता करें, कल से तो सैरी होगी इंशाल्लाह। तो मैं आ गई झूले के पास, अभी मेरा किचन भी बहुत ज़्यादा फैला हुआ है ना, और इस तरफ से अंधेरा पड़ता है, तो बस अभी आप देखें झूले के पास आ गई, और मैं चाय बनाऊँगी और थोड़ा सा नाश्ता करूँगी, और इंशाल्लाह उसके बाद फिर कुछ और सी सिलाई करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी है, तो आज का ब्लॉग अच्छा लगा है, तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा और एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट्स कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग जल्दी आएगा, कोई रमज़ान के मुतालिक बनाऊंगी इंशाल्लाह, और कोई नई चीज़ कोई नया डिज़ाइन बना रही होंगी तो आपको ज़रूर आपके साथ शेयर करूंगी। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे तो बहुत याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।